हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक हो। देखिए, मैंने 0 से 1 साल के बच्चे का स्वेटर बनाया है, जिसके साथ ये मोजे टोपे बनाए हैं, और ये उन दो उसी की बची हुई है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना, और इसका वीडियो मैं अलग से डाल रही हूँ। ये उन उसी की बची हुई है, लेकिन अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं तो 30-40 ग्राम ऊन लगेगी, और ये 10 नंबर से बनाया है। अगर आप छोटे बड़े जैसे बनाएंगी तो ऊन ज़्यादा या कम लग सकती है। और इसमें मैंने 36 बंडल डाले, ये 1 साल के बच्चे के आराम से आएंगे उससे। और ये 14 सिलाई बनाई, 36 फंदे डाल के 13 सिलाई, ये 14वीं सिलाई। ये 18 फंदे हैं और 18 फंदे हैं। ये 18 फंदे को हम 14 सिलाई और बनाएंगे। जितनी सिलाई हमने यहाँ बनाएंगे उतनी ही सिलाई यहाँ बनाएंगे। ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं। दो चार छ 8 10 11, अभी दो और बना। ये हमारी लास्ट सिलाई है। अब ये फंदे भी इसी में बना लेंगे। ये 19 फंदे हैं, नहीं 18, 18 इधर 18 ये। ऐसे ही हमें जितनी सिलाइयाँ हमने इधर बनाई सेम उतनी ही सिलाइयाँ बनाएंगे। ये हमारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, जितनी सिलाई हमारे यहाँ थी उतनी। अब इसे बंद कर देंगे। ऐसे सारे फंदे बंद करें। ये वाली ऊन से हम इधर सिल देंगे। सिलाई सीधी तरफ चलाएं, क्योंकि ये ऐसे फोल्ड होगा तो यहाँ दिखेगी। अब इससे ये यहाँ तक लगाने से देखिए, यहाँ तक लगाई, 7 फंदे यहाँ रह जाए। 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर 3 इधर, 1 बीच का इधर हो। इसके एक एक फंदे को ऐसे थोड़ी सी गोलाई देनी है। अब इसे खींच दे। जैसे हमने यहाँ पे बंद किया वैसे ही यहाँ करें, एक एक फंदे को।
कस के इसको बांध। गांठ अंदर कर दे, अभी एक छोटा सा बो बनाया मैंने, आप सलाइयों से भी बना सकते हैं ऐसे। सात चैन बनाएंगे, एक दो, ये क्रोशिया 12 नंबर का, 3 4 5 6 7। देखिए 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसको 1 2 बार लपेटा। अब पहले एक निकाला इसमें, फिर दूसरा, एक, फिर ये दो, दो बार, एक दो 3 4, ऐसे 4 बार कर, 1 2 3 4। अब 5 चैन, 1 2 3 4 5। अब इसमें फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर 1 2, ऐसे फिर 4 बार बनाएं जैसे हमने इधर बनाए। फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5। प्लीज अगर पसंद आए तो ये कम से कम लाइक तो कर दीजिए। इसको थोड़ा ऐसे खींच के, देखिए अब ये इसमें इस कलर का धागा डाला मैंने दूसरा वाला, जिससे मुझे बनाए। अब हम इसे 6 बार करीब लपेटेंगे, 5 या 6 बार, 1 2 3 4 5, 5 6। वैसे हम इसमें 2 3 बार टाका लगा दें, प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट कमेंट करके जरूर बताएं आपको पसंद आई या नहीं। एक कैप में मैंने 16 फंदे डाले और 27 ये लाइन बनाई, 2 4 6 7 8।
आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस, दो चार छ सात, 27 है। ये इस फंदे जो है 16, इसे सुई में पिरो देंगे। ऊन हमारे इधर है तो इधर से ही फंदे उठा लेंगे। देखिए, एक दो, जितनी हमारी ये लाइन है 27, तो 27 ही फंदे उठाएंगे। हर लाइन का एक फंदा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये 27 फंदे, 5 10 15 20 25, ये पूरी सिलाई उल्टी बनाए। अब 13 फंदे बिन के, एक फंदा बीच का होगा, 13 13 26 और एक बीच का, जैसे गले में हम घटाते हैं 3 का 1, वैसे इसमें घटाए। पाँच दस तीन 13, अब ये बीच का हो गया ये वाला, और एक इधर का, ये नहीं ये वाला, ये बीच का। अब ये 12 बचे, 5 10 दोबारा, आप चाहो तो यहाँ निशान भी लगा, जिससे पता चल जाए ये घटाया हुआ है। 12 फंदे इधर उल्टी तरफ से, पूरी सिलाई उल्टी, सीधी तरफ से घटाना केवल। प्लीज कमेंट जरूर करें। पहले 12 थे, अब 11 बचेंगे। ये बीच का है, फिर 3 का ही, ऐसे हर बार हमें ये पूरे फंदे बंद करने। अभी 3 बचे हैं, इसको 3 का 1 कर देंगे। जैसे हमने इसमें उठाए वैसे ये वाले। पूरे 27 बंद। अभी सिलाई उल्टी ऐसे ही बनाएंगे, उधर सीधी तरफ से, फिर वो घटाएंगे फंदे। अब फिर 12 फंदे, 4 5, ये 12 मिल लिए, अभी 3 का 1। बिल्कुल वैसे ही घटाना जैसे इधर, यहाँ फिर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ ये ऊन काट देंगे, ये फंदे 16, ये इतनी जितनी सिलाइयाँ इसलिए हैं, ये फंदे, ये एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर बनाएंगे।
ये ऊन वाले फंदे सिलाई में भर ली। अब जैसे हमने इधर फंदे उठाए थे वैसे ये सब फंदे उठा लेंगे। आठ, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43 ये 5 सिलाई कंप्लीट हो गई। आपको इससे बड़ा बनाना तो आप ज़्यादा फंदे डालें और यहाँ ज़्यादा सिलाइयाँ करें। तो ऐसे बीच में ऐसे किया, यहाँ निशान लगा, यहाँ हम 7 फंदे उठाएंगे यहाँ से, यहाँ इसको छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 3 इधर 3 इधर, 1 ये बीच का, इधर से सीधे तीन हो गए। एक ही तीन, 2, 5, 7, मतलब एक उल्टी एक सीधी सिलाई बनेगी। और हर बार इधर से 2 फंदे 2 फंदे यहाँ उठाएंगे। ये 2 बार 9 हो गए। जैसे हमने यहां उठाए वैसे इधर 2 उठाएंगे। एक एक 2, फिर 2, ऐसे हम यहां तक ये 1, 2, 3 तक उठाएंगे।
दो इधर ऐसे बनाते हैं। तब यहाँ तक ये हमारे 5, 10, 15 दो 17 फंदे। ये दो उठाए, एक दो, अगली बार ये एक उठाएंगे। अब ऐसे इधर अब एक उठाएंगे। एक सिलाई ये सीधी डाल के, अब जैसे हमने फंदे उठाए थे दो दो करके, वैसे ही दो दो करके इसमें कम करने। तो यहाँ से हम पहले 7 फंदे इधर, 7 इधर छोड़ देंगे, 9 फंदे। यहाँ हमने 7 उठाए थे, यहाँ 9 रखेंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, 11, 12, 13, 14, 3 2 5 2 7, 15, ये 16। अब इधर से घुमाएंगे। ये 7 फंदे इधर छोड़ दिए, 7 इधर। आप चाहे तो यहाँ बुक लगा सकते हैं निशान मार्कर। और ये ऐसे बनाते हुए दो फंदे इधर के, फिर इधर से मोड़ दिया। दो फंदे इधर ऐसे दो दो करेंगे, ये लास्ट में एक फंदा। अभी लास्ट में एक फंदा है, इधर भी एक रह गया अभी। अभी सारे फंदे बंद कर रहे हैं। ज्यादा टाइट नहीं करना। ये यहां से यहां तक सिलाई लगा। देखिए कमेंट जरूर करें आप, इससे मुझे पता चले आपको समझ में आता है या नहीं। आप इससे बड़ी बनाना चाहती हैं तो ये फंदे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप बड़ी बनाएं। मेरे पास जितनी ऊन थी मैं उसी हिसाब से बनाई मैंने। ये ऊन इधर थी तो मैं इधर ही इसे सिल दूंगी। अगर आपको उल्टा लगे तो आप यहाँ से सिलें, इधर से ये ऐसे सिल जाएगा आराम से, इधर उल्टा पड़ेगा। ऐसे यहां तक लगाए,
ये तीन फंदे मैंने यहां से उठा के ये पट्टी बनाई है। ऐसे ही आप जितनी लंबी रखना चाहें अपने हिसाब से। देखिए जब ये खिंचेगी